स्टैंड पहुंच चुके हैं और हमारी बस आ चुकी है मम्मी बैठ गई है, मैं भी जा रहा हूँ, बैठ जाता हूँ। अभी हम बस में हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मौसी के घर। मैं आ चुका हूँ, मम्मी भी आ चुकी है और सब बेबी रनू भी आ गए। तो अभी हम लोग थोड़ा सब बैठे हैं और हमारे साथ एक और मौसी भी आई है, तो मैं आपसे मिलाऊंगा उनसे बाद में। लेकिन अभी सब बैठे हैं, अभी पहुंचे, थके आ रहे, तो अभी सबको रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा भाई, मेरे मौसी का बेटा गोपाल। और अभी हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा के घाट, जहाँ पे हम लोग कल पूजा करने वाले हैं, कल और परसों, और आपको दिखाने वाले हैं वो घाट कैसा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे है घाट और यहीं पे कल पूजा होने वाली है छठ पूजा की, कल और परसों। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसका व्यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कल बहुत ही भीड़ होने वाली है और हम भी आने वाले हैं यहाँ पे, आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। आइए दिखाते हैं, तैयारियाँ चल रही है। ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे बनाते हैं अपना, और हम लोग का भी ऐसी है। हम आपको अपना वाला दिखाते हैं, हमारा कहाँ पे है। अभी ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है, जिससे ये घाट बहुत ही सुंदर दिखेगा। आंटी, इसको क्या कहते हैं ये जो बना रहे हो आप? घाट बोलते हैं, घाट। घाट। तो कल आप यहीं पूजा करने वाले हैं? हाँ। तो ऐसे ही हमारा भी घाट बने यहाँ पे। अब मेरे को नहीं पता कौन सा है, मेरे को भाई से पूछना पड़ेगा अपने। ये भी पीछे घाट बने हुए हैं, यहाँ पे भी पूजा करते हैं लोग, और इसे भी रेडी किया जा रहा है अभी पेंटिंग से। नाम बताइए अपना। संदीप शर्मा। ये आपका घाट है जी, और आप पहली बार बना रहे हो? हाँ, अभी फर्स्ट टाइम। तो ये भैया भी यहाँ पूजा करने वाले हैं और यहाँ पे इनका घाट बनाया गया है। इसी प्रकार से लोग अपने घाट बनाते हैं यहाँ पे आके। अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, घाट से वापस आ चुके हैं। अब हम आपको अंदर सबसे मिलाता हूं। चलो मम्मी, बताओ आपको कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं और यहाँ हम लोग मिला है ना। और हाँ। मैं अपनी बहनों से मिलूंगी तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये इसी दिन का इंतजार करते हैं कि छठ कब आए, तो हम सब बहनें एक साथ मिले तो बहुत अच्छा लगता है। त्योहार हम सब बच्चे भी मिलते हैं के साथ में। तो हमारी दीदी भग गई, जो कैमरा के सामने आने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। और ये हमारी मौसी है, बड़ी मौसी और छोटी मौसी जो व्रत रखती है का। बोलो छोटी मौसी है जो छठ का व्रत रखती है, तो हम लोग वहीं आए हैं सेलिब्रेट करने। छोटी मौसी कहाँ है मम्मी? वो अभी गई है पूजा का कुछ सामान है लाने के लिए, वो मार्केट। तो अभी भाई के साथ गई है मौसी हमारी पूजा की, पूजा का सामान लेने, क्योंकि वो भी उपास रखती है और वही यही पूजा करती है। तो अभी हमारी मौसी आ चुकी है सामान लेके, और वो रहा हमारा ब्रो भाई। तो मौसी छठ का सामान लेके आई है। आओ मौसी। अभी ये आधा ही सामान। तो अभी आराम से अभी बहुत कम सामान है, अभी तो और आने वाले हैं। अरे वैभव, हम लोग घाट गए थे, तेरा घाट कौन सा था यार? नाम निकाल। नहीं, वाल सिस्टम नहीं है इस बार। नहीं है, मतलब मैं निकला बस बना के आ गया। घाट देखने गए थे तो ये घाट में नाम नहीं लिखा, इसलिए हम लोग घाट नहीं देख पाए अपना कौन सा था। पर हम लोग कल जाएंगे पूजा करने, तो हम आपको दिखा देंगे। तो अभी मेरा भाई चुप गया वहाँ पे। अभी मेरा भाई सुबह से चड्डे में घूम रहे हैं। रायपुर में यही चलता है, रायपुर। ये है हमारी चुनमुन दीदी, और अभी यहाँ बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत दिनों बाद यहाँ पे मिले हैं। वो सब नहीं बता, अभी भाई बहनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। कपड़ा तेरा ले आ चुका है 3 सेट, उसके अलावा भी चाहिए वो का है इसका। तो गाइस, अभी ये हो रहा है ठरना पूजा करके। अभी वहाँ खीर बन रही है, गुड़ की खीर, उसे भी खाएंगे। उनको मैं आपको दिखाता हूँ। मौसी गाना गा रही है, और यहाँ पे रोटी बन रही है कढ़ाई के अंदर।
और यहाँ पे खीर बन रहा है इस तरफ। तो अभी हमारी मौसी पूजा कर रही है। अरे यार डेक बजाती है इनको, रील्स बनाने का शौक चढ़ा है। बताओ बड़े वाले क्रिएटर्स जो है ना, उन्होंने कॉपीराइट डाली तब होगा, ऐसे नहीं होता। दोस्तों तो देखिए आज का व्रत पूरा हुआ। सुबह से निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को अब खरना का व्रत का उत्पारण करते हैं, और जिसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है और घी लगी हुई रोटी, इसी से उपवास अभी खोला जाता है। और फिर यह उपवास, इसको यह खाने के बाद महिलाएं फिर से उपवास रखती हैं, और फिर शाम को सूर्य भगवान को अर्घ देके पूजा किया जाता है। अभी यहाँ पे सब एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे, लंबा लंबा सिंदूर लगाते हैं। लंबा लंबा नहीं, हाँ ना, पूरा नाक से लगाते हैं। देखना मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी पहली के लंबी उम्र के लिए चुन्नी दे, चुन्नी दे, चुन्नी बड़ी मम्मी लगाते। बोलो मौसी, अपने पत्नी की लंबी उम्र के लिए ये मतलब पूरा भरमान सिंदूर लगाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ हम सब बैठे हैं और यहाँ बाजी हमारे सामने पूजा चल रही है। मम्मी भी अब टीका लगाने वाली है सिंदूर। पहले तेल लगाते हैं, खाना खाते समय नाक से चुरा कर। अरे 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 अरे, ओ सॉरी, बढ़िया। दूसरा को हाथ में मत देना, करो ना कि घुस जाए इसे। पटक कब देगी कि खाना नहीं है। वाह, यहाँ सब लोग गोड़ लगाओ। चलो अब सब पैर छुएंगे, गोड़ लगेंगे। फोटो चलो देवे, मोबाइल छूट नहीं रहा तुमसे। चल बेबी आजा, लगा दो चाची, दो चाचा एक ऊपर और एक अंदर। This is not fair. अभी दोनों दीदी लोग टीका लगाएंगे। तू लगवाए टीका? की थाली भी तैयार हो चुकी है, अब मौसी बस खाने वाली है। पूजा भी हो गई है, जल्दी ले, जल्दी ले। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिजीत त्रिवेदी, और जैसा कि आप देख रहे हैं, पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहा है मेरा भाई। अरे चालू कर दिए क्या, मजाक कर रहा था मैं। अबे तो मजाक मैं भी कर रहा हूँ, चालू नहीं है। आई नो चालू है, चालू नहीं है बे, ले देख ले, ले ले ले, बंद कर दिया, ले चालू नहीं है, चालू नहीं है बे कसम। इतना भी हैंडसम नहीं है भाई, तू क्या कर रहा। अबे इससे तेरे को लड़िया देख रहे हैं भाई, तो देख रहे, वीडियो बना रहे, देख रहे सकते जरा बता तुम। दे तो भाई फोटो। अब हम सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं, और चलो मम्मी आपको भूख नहीं लगी? अभी सब लोग थक गए हैं और बहुत भूख लगी है। देखो लगी है भूख ना, ये तो सबसे ज्यादा खाते हैं, देख लो इसको, देख के ही लगता है जंक फूड। डाइट कर रहे, बता अपने डाइट के बारे में थोड़ा। अरे बता रहे यार, हेल्थ टिप्स।
वेट वैसे भी बहुत जरूरी है, बड़ा है। हम लोग खाना खा लेते फटाक से। चलो दीदी पत्ता लगा। हमारी रन्नू पांडे सो गई थी, अभी से जगाया जाता है। उठ जा फ्रेंड्स, अभी तो सब तैयारी कर रहे हैं सोने का। नींद आ रही है बे? नींद तो अभी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है अभी तो, ये लोग मोबाइल में घुसे और अब मैं सोच रहा हूँ सो जाते हैं। मेरे को तो वीडियो एडिट करना है, तो मैं वीडियो एडिट करने के बाद डालने के बाद सो जाऊंगा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा, जो छठ पूजा का स्पेशल व्लॉग होने वाला है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।